हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 4, खाएं आम 12 महीने, भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, क्या आपने कभी ऐसा भोजन देखा है जो खराब हो गया हो? आपको कैसे पता चलता है कि भोजन खराब हो गया है? तो बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि क्या कभी आपने ऐसा भोजन देखा है जो खराब हो गया हो? यदि हाँ, तो आपको कैसे पता चलता है कि भोजन खराब हो गया है? तो आप अपना उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ मैंने कई बार ऐसा भोजन देखा है जो खराब हो गया हो। भोजन खराब हो जाने पर हमें इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता और बुरी बदबू भी आने लगती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, चित्र में दिए गए पैकेट पर कौन कौन सी तिथियां लिखी हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र में एक बॉक्स दिया हुआ है और उसके ऊपर लिखा है देसी घी, पैक करने की तिथि और ख़राब होने की तिथि। तो कौन कौन सी तिथियां लिखी हुई हैं? पैक करने की तिथि और ख़राब होने की तिथि। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चित्र में दिए गए पैकेट पर पैक करने की तिथि और ख़राब होने की तिथि लिखी है, इनसे हमें वस्तु को कब पैक किया गया तथा ये कब तक ठीक रहेगी का पता चलता है। तो इन तिथियों का क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें पता चल जाता है कि वस्तु को कब पैक किया गया था और ये कब तक ठीक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनिए। क, कौन से मौसम में भोजन जल्दी खराब होता है? तो यहाँ सही विकल्प है पहला, गर्मी। ख, आंध्र प्रदेश में मामड़ी तांड्रा किस खाद्य पदार्थ को कहा जाता है? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, आम पापड़। ग, जिस खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा बहुत कम होती है वह डैश, तो यहाँ लिखेंगे जल्दी खराब नहीं होता है। घ, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ 1 महीने तक खराब नहीं होगा? तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, पापड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, यदि आपको रेलगाड़ी बस द्वारा लगातार 2 दिन का सफ़र करना हो तो आप सफ़र में खाने पीने के लिए क्या क्या बनाकर ले जाएंगे, कारण सहित बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आपको रेलगाड़ी या बस से लगातार 2 दिन का सफ़र करना हो तो आप सफ़र में खाने पीने के लिए क्या क्या बना कर ले जाएंगे। आपको अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखने हैं कि क्यों बना कर ले जाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि हमें रेलगाड़ी या बस के द्वारा लगातार 2 दिन का सफ़र करना हो तो हम सफ़र में खाने पीने के लिए पूरी, मट्ठी, अचार, पापड़ आदि बना कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी चटनी बनाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जिनकी चटनी बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, टमाटर, इमली, नारियल, आम, धनिया, पुदीना। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मिर्च आदि की भी चटनी बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए फलों के नाम लिखिए। आपके घर में इन फलों से क्या क्या बनाया जाता है, इन्हें बनाने की विधि भी लिखिए। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फल दिए गए हैं, चलिए इन्हें ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में यहाँ 2 फल दिए गए हैं, पहला केला और दूसरा फल है आम। अब आपको लिखना है कि इनसे आपके घर में क्या क्या बनाया जा सकता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे घर में केले से बनाना शेक बनाया जाता है। बनाना शेक बनाने की विधि है, दूध में केले को मिक्स करके उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर मिक्सी में चलाते हैं, आपका बनाना शेक तैयार है। इसमें बर्फ़ डालकर आप पी सकते हैं। और आम से हमारे घर में मैंगो शेक बनाते हैं। मैंगो शेक बनाने की विधि है, दूध में आम का गूदा डालकर व थोड़ी सी चीनी डालकर मिक्सी में चलाते हैं, आपका मैंगो शेक तैयार है। इसमें बर्फ़ डालकर आप पी सकते हैं। बच्चों, यहाँ मैंने अपने घर में आम और केले से क्या बनाया जाता है के बारे में लिखा है। आप भी
अपने घर में आप भी यहाँ पर लिखेंगे कि आम और केले से आपके घर में क्या बनाया जाता है, आप उसकी विधि भी यहाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल अपशिष्ट पृथक्करण अलगाव। हम एक समुदाय में रहते हैं और हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति इस बात से प्रभावित होती है कि हम अपने घर के कचरे को कैसे अलग करते हैं। पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए कचरे को अलग अलग करना और छांटना अपशिष्ट पृथक्करण कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए विभिन्न रंगों के कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हम एक समुदाय में रहते हैं और हमारे आसपास की स्वच्छता की स्थिति इस बात से प्रभावित होती है कि हम अपने घर के कचरे को कैसे अलग करते हैं। पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए कचरे को अलग अलग करना और छांटना अपशिष्ट पृथक्करण कहलाता है। हम विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए विभिन्न रंगों के कूड़ेदान का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा और नीला डस्टबिन दिखाया गया है। हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा और नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डाला जाता है। सही ढंग से पृथक्करण हमारे शहर को स्वच्छ बनाने और हमारे द्वारा उत्पन्न विशाल कचरे के अप्रभावी संचालन के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सही ढंग से पृथक्करण हमारे शहर को स्वच्छ बनाने और हमारे द्वारा उत्पन्न विशाल कचरे के अप्रभावी संचालन के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधि भी दी गई है। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ गतिविधियों में आपके लिए प्रश्न है। पहला, घर के कचरे में से 5-5 चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें नीले और हरे कूड़ेदान में डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने घर से निकलने वाली उन 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें हरे या नीले कूड़ेदान में डाला जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा जैसे बोतलें, कागज़, टिन, कपड़े, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, टूटे खिलौने आदि को डाला जाता है। और हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, मुर्गे, मछलियों की हड्डियाँ, चाय पत्ती, पत्ते, फूल आदि को डाला जाता है। प्रश्न 2 करते हैं। घर के कचरे को अलग करने में अपने माता पिता की मदद करें। तो बच्चों, आपको अपने घर के कचरे को अलग करने में अपने माता पिता की मदद करनी है। आपको उन्हें बताना है कि गीला कूड़ा हरे रंग के कूड़ेदान में और सूखा कूड़ा नीले रंग के कूड़ेदान में डालना है। प्रश्न 3, पुराने अखबार या गत्ते से घर पर एक कूड़ेदान बनाइए। तो यहाँ पर आपको पुराने अखबार या गत्ते से घर पर एक कूड़ेदान बनाना है। तो यह कूड़ेदान आप पुराने अखबार या गत्ते का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। अर्थात शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, परंतु जो इसे कर लेता है उसका जीवन आसान हो जाता है, उसे भविष्य में अच्छा फल मिलता है। यहाँ खाना पीना हरे रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा आपको खाना है। खेल रस्साकसी अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, एक पौधे को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अब नीचे यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, कोई भी एक देशभक्ति गीत याद कीजिए, गाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप कोई भी एक देशभक्ति गीत याद करेंगे और उसे गाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।